बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनपुरिया में। मैं राज रवि का सोनपुरिया शुरू चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्थी के छात्र छात्र आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी जो है कि पूछे जा रहे। सवाल का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। कुछ छात्र छात्र ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर 5 में या 6 में या 7 में जो है हमको 15 नंबर मिला है या 20 नंबर मिला है, मतलब कि मोटा मोटी किसी पर्टिकुलर पेपर में 45 नंबर से कम मिला है, तो हम उसी पर्टिकुलर उसी पेपर में हम फेल हो गए हैं। तो एक पेपर का एग्जाम हम कब देंगे इसके बारे में जानकारी दी जाए। कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि चारों पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है, तो उनका कहना है कि मेरा 180 नंबर से ज्यादा आया हुआ है, फिर भी पार्ट 3 में फेल क्यों कर दिया गया है। आप लोग के सवाल ये थे। तो इसमें जो है कि दो कैटेगरी हो जाती है। कुछ के सवाल ये भी थे कि जीएस में मेरा सिर्फ फेल हो गए हैं, जीएस में, बाकी में पास है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ के ये भी थे कि जीएस में तो हम पास हो गए हैं, बाकी सिर्फ ऑनर्स में हमें फेल दिखाया जा रहा है, तो क्या करना होगा। कुछ के ये भी सवाल है कि मेरा जो है कि पेपर 5 में या 6 में या 7 में 0 नंबर दिखा रहा है, तो 0 नंबर दिखा रहा है या 2 नंबर या 3 नंबर दिखा रहा है, तो फिर इस स्थिति में हम क्या करेंगे। जो सवाल आपके थे मोटा मोटी यही सब है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि पर्टिकुलर एक पेपर में आपको लग रहा है कि हम उसमें फेल हो गए हैं तो क्या करना होगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं चारों पेपर में मेरा पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है तो क्या करना होगा, 0 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर आपको आया है तो क्या करना होगा। तो हम बात करते हैं पहले कि एक किसी एक पेपर में आप फेल हो गए हैं तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले बात तो यह है कि किसी एक पेपर में फेल या पास से डिसाइड नहीं होता है। किसी में आपका 90 नंबर भी आ जाता है और किसी में आपका 10 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर इतना भी आता है, फिर भी आप पास हो जाते हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि किसी एक पेपर को मिला करके पासिंग मार्क्स पार्ट 3 में डिसाइड नहीं होता है, आपको चारों पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है। कुछ मामलों में चारों नहीं 3 पेपर मिला करके पासिंग मार्क्स डिसाइड होता है। कुछ मामलों मतलब वैसा सब्जेक्ट जो ऑनर्स वाला होता है और उससे आप पार्ट 3 फाइनल ईयर की परीक्षा देते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स होगा तो साइकोलॉजी में पेपर 5, 6, 7 पहले ये मैटर करेगा कि इसमें कितना नंबर आया है ये 3 पेपर में, तब जाकर के पेपर 8 जो प्रैक्टिकल वाला होगा वो ऐड होगा। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में पहले 3 पेपर में पास करना होता है, तब जाकर के चौथा पेपर ऐड होता है। बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में चारों पेपर मिला करके आपको पास करना होता है। तो यदि आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स में आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको पास करने के लिए 400 में से 180 नंबर जो है आपको लाना अनिवार्य है। अब किसी में 5 नंबर आ गया, किसी में 95 नंबर आ गया, तो ये 100 हो गया और उसके बाद से 80 नंबर उस दोनों में मिला करके आ गया, तो 180 नंबर आ गई तो आप पास हो गए। ठीक, तो कमो बेस मिला करके होता है। हर पेपर में 45 नंबर आना जरूरी नहीं है, 45 से कम भी आता है, किसी में ज्यादा आता है तो मेकअप हो जाता है। ये बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के लिए। यदि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो पेपर 8 फुल्ली 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन वो फुल्ली 100 नंबर का प्रैक्टिकल का नंबर तब जुड़ता है जब आप पार्ट 3 में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 तीनों मिला करके आप 135 नंबर लाते हैं तब। तो जिनका भी लग रहा है, जिनको भी कि मेरा ऑनर्स प्रैक्टिकल वाला है और हमने तो 180 से ज्यादा नंबर लाया है फिर भी मार्कशीट में फेल दिखा रहा है, तो ऐसा इसलिए कि आप जोड़िए पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 तीनों मिला करके 135 नंबर होगा, तब पेपर 8 प्रैक्टिकल वाला ऐड कीजिएगा। यदि 135 नंबर नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिकल में 90 नंबर, 85 नंबर, 95 नंबर भी मिल जाता है, कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए आपका फेल होगा क्योंकि आपके तीनों पेपर मिला करके 135 नंबर नहीं पूर रहा होगा। आप अच्छे से जोड़ लीजिए। उसके बाद किसी एक पेपर में फेल तो खैर होता नहीं है, गए तो चारों पेपर गए, तो पार्ट 3 में ये सिस्टम नहीं है कि हाँ प्रमोटेड कर दिया जाएगा, आपका साल बच जाएगा, क्योंकि ये फाइनल ईयर है, अब अगला साल में कैसे प्रमोट आपको किया जाएगा। तो इसमें 1 साल आपको इंतजार करना होगा और आपको ऑल पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। ऑल पेपर में आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि जीएस में पास करने के लिए, क्योंकि नंबर तो जुड़ता नहीं है, फिर भी आपको पास करना है, पास नहीं करते हैं तो फिर 1 साल आपका बर्बाद हो जाता है। यदि आप जीएस में पास कर गए, ऑनर्स में आप फेल कर गए, तो अगले बार आपको ऑनर्स ऑल पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वाला होगा तो
प्रैक्टिकल भी आपको देना पड़ेगा, सिर्फ जीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, चारों पेपर आपको देना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ आप जो है कि चारों पेपर में पास हो गए, 180 या 135 का जो भी क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल वाला, उसमें आप पास हो गए, सिर्फ जीएस गड़बड़ा गया, जीएस में 33 नंबर से कम आया, फिर भी आप एक साल पीछे हो जाएंगे, आपको एक साल रुकना ही होगा क्योंकि आपका पार्ट थ्री क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीएस में आपने पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाए, तो अगले साल अगले बार जो है आपको सिर्फ जीएस का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। इसमें मोटा मोटी ये है कि किसी भी पेपर में गड़बड़ाया, ऑनर्स में गड़बड़ाया तो चारों पेपर गया काम से, जीएस में गड़बड़ाया तो सिर्फ जीएस ही गया काम से, लेकिन एक साल आपको रुकना ही पड़ेगा, साल बचना कोई चांस नहीं है। इसलिए सभी पेपर में मतलब कि पास होना जरूरी है, उधर 180 या 135 और इधर 33 कम से कम आए, तब ये माना जाता है कि आप पार्ट थ्री पास है। कुछ छात्र छात्राओं के ये मैसेज आ रहे हैं कि मेरे मार्कशीट पर तो 0 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप चाहे तो आरटीआई कर सकते हैं, आरटीआई के थ्रू अपना कॉपी निकलवा करके आप जो है कि उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। आरटीआई करने के लिए वही साधारण प्रोसेस है कि आपको यूनिवर्सिटी के आरटीआई डिपार्टमेंट में जा करके वहां से एक आरटीआई का फॉर्म लेकर के उसको भर करके वहां से डाक टिकट लेकर के बैंक का चालान कटवा करके फिर उसी आरटीआई ऑफिस में आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स उस पर मांगी जाती है वो देकर के उसमें जमा कर देनी होती है। एक महीने के बाद कॉल या मैसेज आता है और आपको अपना आंसर शीट का कॉपी आपको दे दिया जाता है, तब जाकर के आप क्लेम करते हैं कि हमारा नंबर यहाँ ना यहाँ पर भरना चाहिए। तो आरटीआई का यही नियम है, जिसको 0 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आया, मैं कहूँगा कि आप लोग आरटीआई कर दीजिए, यूनिवर्सिटी जाकर के आरटीआई का एक डिपार्टमेंट अलग बनाया गया है, वहां जाकर के पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मेरा मोटी जो सवाल थे आपको पास या फेल को लेकर के, और जो है कि हम एक साल हमारा बर्बाद किस कंडीशन में होगा, कौन पेपर का एग्जाम फिर से देना पड़ेगा यदि हम फेल होते हैं, तो लगभग सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। कुछ और सवाल है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।